दूसरा फॉलो कर दो प्रो शो, मतलब प्रो एथलीट्स को फॉलो कर दो। हाँ, प्रो शो बिल्कुल। तो सर मैं आपका प्रेडिक्शन पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से टॉप 3 एथलीट्स आपको क्या लगता है कौन से होंगे? देखो एक्चुअली है ना, एक वीडियो का Yeah, yeah, no, that's fine. You do a great job, but I just didn't... तो यार सब महादेव के हाथ में, अपना जो बेस्ट देना था, मैंने भी और एथलीट ने भी हम दे चुके हैं, तो जो वहाँ पे बेस्ट होगा। ऑलराइट, सो हेलो इंसाइडर्स, मेरा नाम है असीम और आप लोग देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग इंसाइडर। तो दोस्तों यार, ये वाली वीडियो थोड़ी बहुत डिफरेंट होने वाली है। इसके अंदर मैं व्लॉग स्लैश अपडेट्स आपको देने वाला हूँ इवेंट के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें हुई थी इवेंट के अंदर, तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ हमारे मेंस फिजिक के बारे में, जो कि हमारा एमेच्योर ओलंपिया हुआ था। उसके अंदर तो यार बहुत बढ़िया हमको मुकाबला देखने को मिला था, और मेरे को तो यार एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज देखने को मिला था। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लवप्रीत सिंह के बारे में। और भाई मैं आपको उन्हीं से शुरुआत करते हैं, एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लवप्रीत भाई एक बहुत ही क्रिस्प फिजिक लेकर आए थे, एक बहुत ही बढ़िया उनकी कंडीशनिंग थी, और यार उनका मिड सेक्शन बहुत, मतलब बहुत ही बढ़िया डिफाइंड लग रहा था। एंड ये फर्स्ट कॉलआउट के अंदर आए थे अपनी क्लास के अंदर, और हम लोगों को एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला था, जो कि था जीजो जॉन वर्सेस लवप्रीत सिंह वर्सेस कृष्णा चौहान। तो भाई एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला था, ये तो एक तरीके से यार ट्रिपल थ्रेट मैच हमको देखने को मिल गया, जिसके अंदर की हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जीजो जॉन के बारे में। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीजो जॉन कुछ इस तरीके की फिजिक लेकर आए थे, और तो आप लोग देख सकते हो कि वो कैसे लग रहे थे। तो भाई जीजो जॉन काफी ज्यादा फुल लग रहे थे, मतलब उनके शोल्डर्स देख सकते हो कितने ज्यादा पॉप कर रहे हैं, बट डेफिनेटली उन्होंने लास्ट ईयर से बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट्स करी थी यार। बट इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा बट आ जाता है, वो ये आ जाता है कि यार आई रियली बिलीव कि जो उनका शेरू डेली का जो वो पैकेज लेकर आया था ना जीजो जॉन, उनकी जो बॉडी थी वहां पे बहुत ज्यादा कमाल की लग रही थी और पीक कर गई थी वहां पर। बट यहाँ पे आई एम नॉट टू श्योर कि जीजो जॉन यहाँ पर पीक कर गए थे, मतलब मेरे को ऐसा बिलीव नहीं हो रहा था। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों के थॉट्स जानना चाहूँ कि आपको जीजो जॉन भाई की आपको फिजिक कैसी लग रही थी। एंड बाकी अगर मैं बात करूँ तो मेरे को ऐसा लगा कि जीजो जॉन ने ना डोर ओपन कर दिया है, जो हमारे एथलीट्स हैं जैसे कि कृष्णा चौहान और लवप्रीत सिंह, उन्होंने इस चीज़ का फायदा उठा लिया। बाकी एंड के अंदर आई बिलीव कृष्णा चौहान और जो हमारे लवप्रीत सिंह एथलीट है वो सेंटर स्टेज पर होते हैं। तो बाकी देखते भाई कि आज क्या होता है, आज हमारा फाइनल्स होने वाला है एमेच्योर ओलंपिया का मेन्स फिजिक का, तो देखते हैं कि क्या आज लवप्रीत सिंह गोल्ड मेडल लेकर आते हैं या फिर कृष्णा चौहान लेकर आते हैं। फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जीजो जॉन भाई जो है एकदम ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स करके अपना जो है गोल्ड मेडल लेकर आ सकते हैं। कुछ भी हो सकता है भाई, जो भी अपडेट्स होंगी इस मुकाबले से रिलेटेड आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगली बात करते हैं हमारे रवि पवार भाई के बारे में, जो कि मैंने रिसेंटली इनका पहले इंटरव्यू भी लिया था, और देन उसके बाद जब इनकी परफॉर्मेंस हुई थी तो उनकी परफॉर्मेंस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो भाई उनकी परफॉर्मेंस मेरे को बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट लगी थी। अब इसका क्या मतलब है यार, देखो जो उनका शेरू क्लासिक दिल्ली के अंदर जो वो वर्जन लेकर आए थे ना, उनकी कंडीशनिंग देखो, हमेशा जो रवि पवार भाई है ना, हमेशा कंडीशनिंग के अंदर टॉप नॉच आते हैं। बाकी वो सेंटर स्टेज पर थे अपनी क्लास के अंदर, बाकी देखते भाई इस बारी जो उनका रिजल्ट आता है, जो भी रिजल्ट आएगा मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट मेंशंस के बारे में बढ़ते हैं, हम लोग उन बॉडी बिल्डर्स के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे इस इवेंट के अंदर, जिसके अंदर की मैं सबसे पहले बात करूंगा हमारे सुंदरम भाई हैं, जो कि काफ़ी एक यंग एंड अपकमिंग बॉडी बिल्डर है, काफ़ी अच्छा पैकेज लेकर आए थे और बहुत ही डेंस मसल ये होल्ड करते हैं इतनी यंग एज के अंदर। तो भाई एक चीज़ बस मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि एक प्रोफेशनल लुक के लिए ना, मेंस फिजिक के लिए क्लीन शेव वाला लुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि क्लीन शेव लुक अच्छा लगता है। बाकी आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये आगे जो है मतलब अपना कैसे डैमेज करते हैं आगे अपने करियर के अंदर, जो भी इस डिवीजन के अंदर ये क्या करते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूँ विवेक रॉक के बारे में, और भाई ये साउथ के बॉडी बिल्डर है और इनके बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अमेजिंग जेनेटिक्स है भाई, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये भी बहुत बढ़िया लग रहे थे एंड फर्स्ट कॉल आउट के अंदर आए थे और अपनी क्लास के अंदर, और एक मतलब एक काफ़ी अच्छी फिजिक लेकर आए थे विवेक रॉक। एंड इसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट एथलीट के बारे में बात करने वाला हूँ, और इनका नाम है हेमंत डाबस, और 2021 के एमेच्योर ओलंपिया के अंदर ये सिल्वर मेडल जीते थे। तो भाई देखना पड़ेगा कि इस साल ये कौन सा मेडल जीते हैं, और बाकी ये भी बहुत ही बढ़िया फिजिक लेकर आए थे। एंड ये तो बात होगी मेंशंस वगैरह के बारे में, जो कि एथलीट्स अच्छे लग रहे थे। एंड भाई अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैंने सिद्धांत जायसवाल भाई के बारे में नहीं बात करी, तो मैंने उन पर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो कि उन्होंने कैसा परफॉर्म करा था, और क्या आज सिद्धांत जायसवाल भाई प्रो कार्ड जीत सकते हैं। तो भाई मैंने सारी बातें करी थी उस वीडियो के अंदर, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी दोस्तों हम लोग नेक्स्ट अपडेट के ऊपर बढ़ते हैं, और भाई मैं आपको शेरू क्लासिक से बाहर लेकर जाना चाहता हूँ इंटरनेशनल एथलीट के बारे में, आज मैं बात करने वाला हूँ, जिनका नाम है माइकल क्रिजो। तो भाई नेक्स्ट अपडेट के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि हमारे माइकल क्रिजो
जीत चुके हैं प्राग प्रो और क्वालिफाई कर चुके हैं मिस्टर ओलंपिक के लिए। तो भाई एक बहुत ही लेटेस्ट न्यूज आ रही है कि माइकल क्रिजो ने प्राग प्रो जीत लिया और क्वालिफाई कर लिया मिस्टर ओलंपिक के लिए। बाकी यार बहुत सारी ऑनलाइन मेरे को चीजें देखने को मिली थी कि लोग पॉइंट आउट कर रहे थे कि माइकल क्रिजो जो है अपने पोजेस नहीं होल्ड कर पा रहे थे और इनको इश्यूज हो रहे थे या फिर वो नहीं डिजर्व करते थे ये वाली जो उनकी जो जीत हुई है। बाकी तो यार मैं बाद में देखूंगा इनकी परफॉर्मेंस अच्छे से और एनालाइज करूंगा इस चीज को। बाकी अभी बस मैं आपको न्यूज देना चाहता हूँ कि भाई हमारे जो माइकल क्रिजो भाई है उन्होंने जीत लिया हमारा प्राग प्रो और क्वालिफाई कर लिया मिस्टर ओलंपिया के अंदर। बाकी देखते हैं भाई कैसा परफॉर्म करते हैं ओलंपिया के अंदर। जो भी अपडेट आएंगे आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी। इसके बाद दोस्तों मैं आपको सीधा फिर से आपको लेकर जाना चाहता हूँ शेरू क्लासिक में और मैं आपको नेक्स्ट बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं मिला था भुवन चौहान भाई से और भुवन चौहान आज कम्पीट करने वाले हैं मुंबई प्रो शो के अंदर। तो भाई इनसे मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा था एंड अगर आप लोग कोई कंटेंट देखना चाहते हो भुवन भाई के साथ तो आप लोग मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हो एंड देखते हैं भाई आप लोग जैसा कंटेंट देखना चाहते हो मैं कोशिश करूंगा वैसा कंटेंट लाने की। तो भाई इसके बाद मैंने छोटा सा इंटरव्यू लिया यू गेस्ड इट राइट तुम्हारे भाई रोहित खत्री का और उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने मतलब अपने क्या कमेंट्स दिए। तो आप लोग सीधा ये वाला इंटरव्यू देख सकते हो। पूछने की जैसे कल प्रो शो होने वाला है पहली बार इंडिया के अंदर तो सर आप फॉलो कर दो प्रो शो मतलब प्रो एथलीट्स को फॉलो कर दो। हाँ प्रो शो बिल्कुल। तो सर मैं आपका प्रेडिक्शन पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से टॉप थ्री एथलीट्स आपको क्या लगता है कौन सा होगा? देखो एक्चुअली है ना मैं अब की बार खुद भी नहीं खेला और मेरे को कुछ आइडिया नहीं है क्या हो रहा है क्योंकि मैं अपने जिम में बिजी था देखा होगा आपने ठीक है बट प्रो शो सर का नया जिम खुला है अभी आरके फिटनेस। हाँ हाँ तो मैं उसमें ही बिजी था दैट्स व्हाई मैं खेला नहीं थोड़ा ऑफ दिया मैंने बॉडी को। तो सर मैं आपके प्रेडिक्शन वैसे आपको कोई पता कोई एथलीट जो कम्पीट करने वाला हो? नहीं नहीं पता तो है देखो प्रिडिक्शन क्या होता है पीक होता है प्रिडिक्शन कुछ नहीं है आपको ही पता है। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हम आपको नेक्स्ट कंपटीशन में कौन से हम आपको कम्पीट करते हुए देखेंगे? नेक्स्ट कंपटीशन में हम आपको कौन से कंपटीशन के अंदर नेक्स्ट कम्पीट करते हुए देखेंगे? देखो मेरा मन तो था कि मैं नेक्स्ट ये वाला खेलूँ बट ऑब्वियसली टाइम नहीं मिला। अब ये तो शायद शेरू क्लासिक बहुत लेट होगा 6-7 महीने में बट मैं अभी अपनी प्रेप स्टार्ट करूँगा तो मैं स्विच करूँगा शायद मतलब दोनों को ट्राई करूँगा कि मेंस फिजिक भी खेलूँ मैं और क्लासिक भी स्विच करूँ। तो हाँ भाई मैं जानता हूँ ये छोटा सा इंटरव्यू था। बाकी दोस्तों आज हमारा डे टू मतलब हमारा डे टू खत्म हो चुका है और अब शेरू क्लासिक का जो फाइनल डे होने वाला है उसके अंदर हमारा फाइनल्स होगा एमेच्योर ओलंपिया का और हमारा मुंबई का प्रो शो होने वाला है आज के दिन। तो भाई जो भी अपडेट्स आएंगी जो भी हमारी वीडियोस वगैरह होंगी आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द रिजल्ट। एंड गाइस आप लोग अगर आप लोग लेटेस्ट अपडेट्स जानना चाहते हो तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे @bodybuildinginsider पे आप लोग जाके फॉलो कर सकते हो वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी आप लोग स्टे ट्यून्ड रहोगे। तो भाई इसी के साथ मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए टिल देन टेक केयर एंड बाय।